आप सभी का स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। स्टेडियम में डीएवी क्लस्टर चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। श्री बांके बिहारी मंदिर में मनाया गया नारायणी प्रकटोत्सव। 8 भट्टियों को नष्ट कर 220 लीटर अवैध कच्ची शराब हुई बरामद। ट्रैफिक पुलिस टीम ने एक ओवरलोडेड ई रिक्शा को किया सीज। होमगार्ड कार्यालय में मनाया गया होमगार्ड दिवस। नगर निगम टीम द्वारा पॉलिथिन के विरुद्ध चलाया गया चेकिंग अभियान। परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर काटे 60 चालान। कुंडा थाना पुलिस ने 48 पाउच अवैध कच्ची शराब और एक मोटरसाइकिल की बरामद। खड़े जंपर में बाइक टकराने से हुई युवक की मौत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित स्टेडियम में डीएवी क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस चैंपियनशिप में कई तरह के खेल शामिल थे। इस क्लस्टर प्रतियोगिता के आयोजक डीएवी स्कूल काशीपुर के प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में अब डीएवी क्लस्टर में जीतने वाले छात्र छात्राओं को भी मान्यता दी जाएगी, जिसको लेकर अब बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने में प्रयासरत रहेगा। इस खेल प्रतियोगिता के दौरान एशियाई मेडलिस्ट व उत्तराखंड एथलीट संगठन के अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं काशीपुर से खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी, एशियाई वेटलिफ्टिंग मेडलिस्ट राजीव चौधरी, सुदामालाल प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल सुरेश सिंह आदि अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किसी का भी उसमें डीएवी एकदम नहीं होता। काशीपुर डीएवी हल्द्वानी धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे और डीएवी रुद्रपुर तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये स्पीड है संयम और ईमानदारी से भारत सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया है और हमारा बच्चा सर्टिफिकेट लेके मेडल लेके जब किसी भी नेशनल टूर्नामेंट में जाएगा या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या किसी और पूरे आप हमें संस्कार देते हैं जाएगा तो उसको वेटेज मिलेगी। मुख्य अतिथि के रूप में मुझको अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं कि इतने बड़े प्रोग्राम में डीएबी के अक्सर मैं आता रहता हूं बराबर, कोई मैं नया नहीं हूं, बल्कि मैं एक डीएबी का बाहरी रूप से भी एक अंदर का एक हिस्सा हूं। तो यहां जो ये प्रोग्राम और ये जो अभी कई खेल यहां संपन्न होने हैं, जैसे शूटिंग हो गई, टेबल टेनिस हो गई, बॉक्सिंग हो गई और एथलेटिक्स आपके सामने चली रही है, तो इतनी बढ़िया तरीके से इसका आयोजन हो रहा, उसका श्रेय मैं डॉक्टर मनीष गोयल जो डीएबी के प्रिंसिपल हैं, हमारे ब्रजेश रावल जी, हमारे धर्मराज बिष्ट जी और यहाँ के जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं और कर्मचारी गण हैं उनको देना चाहता हूँ। और मैं क्या कहूँ, आप जानते ही हैं ये खेल का मैदान है, ये अपनी पहचान अपने आप से बनानी पड़ती है, तो जीतेंगे ये हमारे कल के हीरो हैं, यही कहूंगा मैं। और धन्यवाद देता हूँ सुरागी लाल चैनल को, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हमारे दोनों हीरो हैं आप सभी जानते हैं। आप हम कितना भी बड़ा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर हम कुछ भी करें और आप हमें सहयोग ना करें तो हम जीरो ही रहेंगे, क्योंकि हीरो तो आप बनाते हैं, तो इसलिए मैं आपको सलूट करता हूँ, जय हिंद। बीते दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में नारायणी प्रकटोत्सव दिवस के अवसर पर भव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिस दौरान 113 महिलाओं द्वारा इस उत्सव को मनाया गया। इस दौरान अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल, रश्मि मित्तल, दीप्ति अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, सिमरन अग्रवाल, अनमोल माहेश्वरी आदि मौजूद रही। आज काशीपुर उत्तराखंड में बांके बिहारी मंदिर में नारायणी का जन्म हुआ है, प्रकटोत्सव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 113 महिलाओं के द्वारा हम लोग ने ये उत्सव को मनाया है। आज का पाठ बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं सबसे बोलूंगी कि सब आए और एक बार दादी के दर्शन जरूर करें, और दादी का मंदिर झुंझुनू में है, राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे सब लोग आए हैं तो सब बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बाकी हम सब मिलके, हम सारे फ्रेंड्स और हमारा अखिल भारतीय समाज का ग्रुप भी आया हुआ है। ये रानी सती दादी हमारे इनका झुंझुनू में मंदिर है और आज ये मंगल हमने, दादी जी हमारी इस दिन सती हुई थी, इसके उपलक्ष्य में हमने ये मंगल पाठ रखा है। दादी जी का झुंझुनू में बहुत बड़ा मंदिर है और यह जो मंगल पाठ हो रहा है हमारा मारवाड़ी समाज द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी एक समिति है श्री दादी परिवार काशीपुर, और यह बांके बिहारी मंदिर में हो रहा है। दादी जी हमारी लगभग 800 साल पहले सती हुई थी राजस्थान में, और सभी से अनुरोध है कि अगर आप दादी से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जरूर जुड़े। जय दादी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कच्ची शराब बनाने के लिए सुलग रही 8 भट्टियों को नष्ट कर 220 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। आपको बता दें संयुक्त टीम ने गांव बरखेड़ी व खाईखेड़ा में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 8 भट्टियों के साथ करीब 12,000 लीटर लहन नष्ट किया है। इस दौरान टीम ने 170 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। वहीं टीम ने अनाज मंडी के पीछे छापा मारकर अभियुक्त संदीप सिंह के कब्जे से पाउच में रखी 50 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु अभियान में ट्रैफिक पुलिस टीम ने एक ओवरलोडेड ई रिक्शा को रोककर एमवी एक्ट में चालानी कार्यवाही करते हुए उसे सीज किया है। इसी के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस टीम भविष्य में भी इसी तरह लगातार चेकिंग अभियान चलाती रहेगी। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत होमगार्ड कार्यालय में 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस मनाया गया। साथ ही होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने जवानों को सौगात दी है, जिस दौरान सभी अधिकारी नगर ग्रामीण होमगार्ड जवान उपस्थित रहे। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम टीम द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान आज विजयनगर दुर्गा कॉलोनी और गिरिताल रोड आदि स्थानों पर पॉलिथिन के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें 4 किलो पॉलिथिन और 5,000 रुपए की चालानी कार्रवाई करते हुए लोगों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह भविष्य में भी लगातार पॉलिथिन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। परिवहन विभाग ने 3 दिन लगातार चेकिंग अभियान चलाकर 60 चालान किए। परिवहन विभाग में काशीपुर क्षेत्र में स्कूलों में चलने वाले ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, स्कूल वैन और मैजिक की गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के एमवी एक्ट में चालान काटे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान में कोंडा थाना पुलिस ने बीती रात्रि गश्त के दौरान अनाज मंडी के पास से आ रहे एक बाइक सवार ने पुलिस को देखकर बाइक को कुंडा की ओर मोड़ दिया। शक होने पर पीछा करने पर वही रोड के किनारे लड़खड़ाकर गिर गया और नगर की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 48 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद की और एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। सड़क के बीचों बीच अंधेरे में डंपर खड़ा करने के मामले में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पैगा चौकी पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर अज्ञात डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के तहसील भिगियासैंण पुराकोट ग्राम कौशाझाली निवासी मान सिंह ने तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र अलीगंज रोड स्थित कलपत्रु ऑटो पार्ट्स में नौकरी करता है। बीती 4 दिसंबर की रात्रि करीब 8:30 बजे अपने मित्र के कमरे से वह अपनी बाइक से अपने कमरे में आ रहा था कि रास्ते में खड़े डंपर में पीछे से टकरा गया। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।